उसने अपने बाप की बेइज्जती का बदला लिया है या गौर से झगड़े का इंतकाम, मुझे नहीं पता। मेरा गौर नहीं रहा और रंग, मेरा गौर नहीं रहा। कभी वो अपने कमरे से मुर्गे को बगल में तो बाहर नहीं निकलेगा। वो कभी नहीं निकले। मेरे हक के लिए लड़ने में कोई नहीं था। मुझे तो ऐसा लग रहा जैसे मैं बेपर्दा हो गई। हम सब तुम्हारे साथ हैं। सब झूठी तसल्ली। मेरे साथ कोई नहीं है। जो था चला गया। अब तो बस इस पीछे मुंह से हवाई फायरिंग करने वाले रह गए। दाजी को समझाता क्यों नहीं? क्या सैफुर्रहमान को मरवा के मेरा भाई वापस आ जाएगा? मैंने दाजी को समझाने की कोशिश की है कि खून के दाग खून से कभी साफ नहीं हो सकते। दाजी ने सिवाय के ना किसी को माना ना ही किसी की मानी। उनको तो बस दूसरों को जलील करना होता। अगर सैफुर्रहमान से मेरी शादी हो जाती तो शायद आज ये दिन ना देखने पड़ता, ना ही मेरी गर्दन पे तोरे का अजाब पड़ता, ना ही मेरा भाई मरता। तुम गौहर के मरने पे रो रही हो या अपनी शादी उसके कातिल से ना होने का गम रुला रहा है तुम्हें? सिर्फ यही पूछने में चोरों की तरह यहां आए हो? नहीं, पूछने आया था कि यहीं रुकोगी या घर चले। ये भी मेरा घर है। चलता हूं। क्या तोरा खान ने जो कहा वो ठीक था? गौहर के कत्ल के पीछे सालों पुरानी दुश्मनी नहीं, कोई और वजह है। दाजी मेरे ख्याल से तोरा खान सही कह रहे, मुझे और कोई वजह नजर नहीं आती। मुझे आती है। गौहर वहां किसी लड़की के पीछे गया था। दाजी ये आप कैसे कह सकते? अगर बाप अपनी औलाद के लिए कुछ ना कह सके, या तो वो उसका बाप नहीं है या फिर बेगैरत है। तुम भी अपने भाई को बड़ी अच्छी तरह से जानते थे और मैं भी। इस सच को उसी तरह दबा देना है जैसे उसकी लाश को दबाया था। कुछ ऐसा भी था, खून था मेरा। सैफुर्रहमान को यह किसने दिया कि वो उसका खून करते? उसका इंतकाम। कि अपनी बीवी और मेरी बेटी की जिंदगी खराब करने की जरूरत नहीं है। वो पुरानी बात थी, खत्म हो गई। अब नई बात होगी।
कौन सी दाजी? यही कि सैफ रहमान ने गौहर से पुराने झगड़े का बदला लिया है जो इन दोनों के दरमियान बांडा कमर में हुआ था। मर्दों की लड़ाई में मर्दों के कफन और औरतों की चादरें ना उतरे तो अच्छा है। ऐसा ही होगा दाजी। अगर मैं गौहर का इंतकाम लिए बगैर मर गया तो तुम उसे ऐसे बेबस करके मारना जैसे उसने तुम्हारे भाई को मारा था। बहुत संग किया है उसने, बेबस करके मारा है मुझे। तड़पा तड़पा के मारना उस नाइक के बच्चे को। इतनी बेदर्दी से मारना कि उसके घर वाले भी उसका चेहरा ना देख सके, और अगर देखे भी तो सदमे से कर जाए। बिल्कुल ऐसा जैसे मैं गौहर को देखकर गिर गया था। ना जी, आप नहीं गिर सकते। ना जी, मैं आपको नहीं गिरने दूंगा। उस आराम खुर को ठिकाने लगाने के बाद मुझे उस लड़की का पता चाहिए जिसकी वजह से मेरा गौहर कत्ल हुआ। गुलिस्तान खान से तेरी एक टांग का हिसाब उसका एक बाजू काट कर बराबर कर दिया है। लाला, लाला मुझे मुझे कुछ कहना था। तुमने जो कुछ करना था कर दिया, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लाला मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कुछ नहीं सुनना। आइंदा अगर मुझे आवाज दे के रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वही हशर करूंगा जो तुम्हारे आशिक का किया था। हो गई तसल्ली? कलेजा ठंडा हो गया? जब वो तुमसे बात नहीं करना चाह रहा तो क्यों उसे उकसा रही हो कि तुम पर हाथ उठाए? तुम ठीक कहती हो, मेरी होती है। तो जब तक इस मसले का कोई हल नहीं निकल आता अपनी गलती सुधारने की कोशिश करो। तब तक मैं सैफ और रहमान से बात कर सकती हूँ, हो सकता है वो तुम्हें माफ कर दे।
ऐसे कैसे मुस्कुराता था ये? ऐसे तो कोई भी नहीं मुस्कुराता। सफीउल्ला तो मुस्कुराता ही नहीं है। तुम अच्छा मुस्कुराते हो। हमने सारी मुस्कुराहटें तुमसे ही ली है माँ। सब तुम्हारी तरह मुस्कुराते हैं। गौर भी तुम्हारी तरह ही हंसता था। मुस्कुराओ। जब तक तुम इस तरह रोती रहोगी हम में से कोई भी नहीं मुस्कुरा सकेगा। जाने वाला मेरा सब कुछ ले गया। अभी तो इसने देखा ही क्या था। उसने तुम्हें देख लिया तो दुनिया की सारी मोहब्बत, सारा खलूस, सारी खूबसूरती देख ली। अगर तुम ऐसा करोगी मां तो हम सबका क्या होगा? तुमने ही हम सबको संभालना है मां। मैं कैसे संभालू? मुझसे तो कुछ भी नहीं संभल रहा। मैं कैसे संभालू? मैं कैसे संभालू? जिस तरह तुमने हमारा बचपन संभाल के रखा है, ये सब चीजें हैं, ये यादें हैं। देखो, देखो, मार डाला मेरे गौर को। क्या सुकून मिल गया मेरे बाप को? उसकी माँ तो सारा दिन यहाँ घर में मेरे पास बैठी रहती थी। उसकी बहन यहाँ मेरे आंगन में खेलती रहती थी। ये क्या किया? क्या किया? कोई है इनको पूछने वाला? कोई इनसे पूछो। कोई पूछो क्या किया? मैं पूछूंगा माँ, मैं पूछूंगा। तुम इसके अपना नाम क्यों नहीं लिखते? मेरी मर्जी। मर्जी के बच्चे नाम ना होगा तो गुम हो जाएगी। यूं ही कैसे घूमेंगी? मैंने इस पर अपनी निशानी रखी है। ये कैसी निशानी? असली निशानी तो नाम है। दो मैं तुम्हारा नाम लिख दीजिए। अच्छा लिख दो। अभी नहीं घूमेंगी। शेरी। खुदा दुश्मन को भी जवानी की मौत ना दे। बड़ा खूबसूरत जवान था। न जाने किसकी नजर लग गई हमारे गौर को। तुम्हारी। मैं तुम्हारा सदमा समझ सकता हूं।
क्योंकि तुम्हारा सदमा मेरा भी ज़ाती सदमा है। ना मैं तुम्हारी हूँ, ना ही मेरा सदमा तुम्हारा है। जानता, लेकिन फिर भी बेगैरतों की तरह दिल को तसल्ली देता हूं कि तुम मेरी बीवी हो। जाती ना सही, कागजी ही सही। खैर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बात नहीं है, ख्वाहिश है। आज तक मैंने तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश पूरी की जो आज फिर खैरात मांगने आ गए? देखो बहनों, जब से तुम्हारी और हमारी शादी हुई है, तुमने कभी मुझे अपना शौहर नहीं समझा। मुझे इसकी कोई शिकायत नहीं, लेकिन गिला है तो सिर्फ इस बात का कि तुम मुझे अपना शौहर नहीं समझती। ना समझो, लेकिन एक हमदर्द दोस्त होने के नाते अपने दिल की बात तो बता सकती थी ना। कौन सी बात? यही कि तुम सैफुर्रहमान को पसंद करती हो। बकवास मत करो। मैं ना किसी को पसंद करती थी, ना करती हूं। उसका रिश्ता आया था मेरे लिए, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा उसे यार आना था। देखो बा, अगर अभी भी तुम्हारे दिल में सैफुर्रहमान की जगह मौजूद है तो मैं तुम्हें आजाद करने के लिए तैयार हूं। तुम जाके शादी कर लो उससे। मैं तो अमन की बात कर रहा हूं और तुम खामखा गुस्सा कर रही हो। अगर तुमने आइंदा ये बात की तो मैं सीधा जाके दाजी को बताऊं। मेरी किस्मत में तुम्हारी कालक लिखी थी तो लिखी थी, अब मैं इसी कालक के साथ ही जिंदगी गुजारूंगी। भालो, समझने की कोशिश करो। मेरे फैसले से तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाएगी और दोनों खानदानों के बीच में बढ़ने वाला झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। मैं तो तुमको खुश देखना चाहता हूँ। सिर्फ मुझे पागल करना चाहते। पागल नहीं कर रहा, मैं तो अमन की बात कर रहा हूँ। देखो, मैं चाहता हूँ कि सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें, और इंसान को चाहिए कि वो सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहे, अपनी पुरानी मोहब्बत के साथ। तुम सिर्फ बदमाश ही नहीं, गैरत भी। अब तो तुझे इन्हीं तानों के तीर मार मार के जख्मी करूंगा, गुलिस्तान खान की बानो। अल्लाह पाक गौहर खान को जन्नत अल फिरदौस में जगह अता करे और लवाहिकीन को सब्र दे। सुम्मा आमीन। लवाहिकीन सब्र में है, उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यह दुआ करो कि तुम्हारे इलाके का वो लोग जो मेरे बेटे के कत्ल में शामिल है, वो मेरे ही हाथों दोजख में दाखिल हो। गुलिस्तान खान, हम इसी मामले में बात करने आए हैं। बात करने को रह ही क्या गया है? बदला लेना तुम्हारा हक है गुलिस्तान खान, लेकिन अल्लाह पाक माफ करने वालों को ज्यादा पसंद करते हैं। तो फिर मैं तुम्हारे सारे घर को कत्ल कर देता हूँ और तुम मुझे माफ कर देना, क्योंकि अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। गुलिस्तान खान, हम तो इस मामले को सुलझाने के लिए आए हैं। गौर का कातिल जब मेरे हाथों मरेगा ना, तो सब सुलझ जाएगा। हाजी साहब, अभी आप फिक्र मत करें, चाय लाओ इनके लिए। बिस्किट भी मंगाओ, दूर से आए हैं, पेट खाली हो गए। हमें खाली हाथ मत भेजो गुलिस्तान खान। तुम्हारे हाथ में है ही क्या? सैफुर्रहमान ने हमें पूरा इख्तियार देकर भेजा है। पहले उसने मेरे भाई को मार डाला और बाद में सुलह के लिए तुम लोगों को भेजा है। उसे कह दो अगर इतना बड़ा पठान है तो खुद आकर बात करे। तुम सब लोग मेरे बेटे के फातह के लिए आए,
वो मैंने कबूल कर ली। इससे ज्यादा कुछ नहीं सुनना चाहता। हम सुनाने नहीं, सुनने के लिए आए हैं कि तुम क्या चाहते हो। तुम लोगों की दाढ़ियां सफेद हो गई और तुम मेरा चेहरा देखकर ये नहीं बता सकते कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं अपने बेटे के खून का बदला चाहता हूँ। गुलिस्तान खान, शरीयत में तो कसास की भी गुंजाइश है। शरीयत में किसी बेगुनाह को कत्ल करने की कितनी गुंजाइश है, और उसके कत्ल के बाद उस पर लड़कीबाजी का इल्जाम लगाना, इसकी कितनी गुंजाइश है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो गुलिस्तान खान, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि ये खून खराबा आगे ना बढ़े। जिसने कत्ल किया है उस खाना खराब का खून होगा तो ये खून खराबा खुद ही खत्म हो जाएगा। टिम्बर और रुपए का कारोबार करने वाला लाशों का कारोबार नहीं करता है। इनको चाय पिलाओ और ये घर जाएं चुपचाप। कौर खान की लाश की बोली लगाने आए हैं लोग। सैफुर रहमान ने कसास का पैगाम भेजा है इन बुजुर्गों के हाथों। मेरा भी एक पैगाम सैफुर रहमान को पहुंचा दे। उसे कहें जिस बेरहमी से उसने मेरे भाई का कत्ल किया है, मैं भी उसे इतनी दर्दनाक मौत दूंगा। उस डरपोक ने तो छुप के मारा है मेरे भाई को, मैं आप सबके सामने मारूंगा उसे। और उसे यह भी बोल देना कि तैयार रहे, आवाज देकर होशियार करके मारेंगे इंशाल्लाह। मैंने एक फैसला किया है। हमारे फैसले से अब कुछ नहीं होगा। हमारा फैसला अब दूसरों के हाथ में है। मैं कभी भी किसी दूसरे को तुम्हारी और अपनी जिंदगी का फैसला नहीं करने दूंगी। ऐसी बातें वो लोग करते हैं जिनको यकीन हो कि उनके पीछे कोई है। हमारे पीछे तो हमारे अपने भी नहीं। तो हम हैं ना एक दूसरे के अपने। हम हमेशा की तरह एक दूसरे के पीछे खड़े होंगे और सबको चुप करा देंगे। फिलहाल हम दोनों चुप कर जाते बेहतर है। चुप करके मौत की चाप सुने। तुम्हें मारना होता तो लाला तुम्हें मार चुका होता। तुम नहीं मरोगे, मेरा यकीन करो। इसी बात का तो दुख है। मैं नहीं मरूंगी, बल्कि जिंदा रह के अपने भाई की मौत का मातम करूंगी सारी जिंदगी। लाला ने मुझे तो छोड़ दिया, लेकिन गुलिस्तान खान लाला को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए तो मैंने गुलिस्तान खान के घर जाने का फैसला किया है। मैं उसे जाके सब सच बता दूंगी कि कैसे उसके बेटे ने मुझे अपने जाल में फंसाया था। वो तो जैसे तुम्हारी बात का यकीन करने बैठा है ना। तो मैं कुरान पाक ले जाऊंगी, उस पर हाथ रख के सारी बात बता दूंगी। तुम कुरान पे हाथ रखोगी और वो पूरी मस्जिद पे हाथ रख के कह देगा कि तुम झूठ बोल रही हो, कि तुम उसके बेटे पे तोहमत लगा रही हो। ये तोहमत नहीं है, ये सच है कि गौहर ने मेरी इज्जत पे हमला करने की कोशिश की थी। यहाँ लोग औरत के सच की तोहमत और मर्दों की तोहमत को सच कहते हैं। कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। अगर गुलिस्तान खान मेरा यकीन नहीं करेगा तो मैं औरंग से बात करूंगी। वैसे भी वो शक्ल से पढ़ा लिखा और बात को समझने वाला लगता है। हाँ ये ठीक है, मैं तुम्हारे औरंग से मिलूंगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरी बात मानो, हम दोनों गुलिस्तान खान के घर जाते हैं। मेरा यकीन करो कि वो हमारी बात का यकीन करेंगे, और तुम साथ जाओगे तो औरंग भी तो हमारी तरफदारी कर लेगा शायद। उसे अपने भाई की असलियत पता चल जाएगी और हमारे भाई की जान बच जाएगी। कारोबारी आदमी है, रुपए पैसे पे मरता है, कुछ ले दे के मान जाएगा। यही कहा था ना तुमने? नहीं माना गुलिस्तान खान, इनकार कर दिया उसने। गलत लोगों को भेजोगे तो ऐसा ही होगा। भेजने से पहले पूछ तो लिया होता एक दफा। अब क्या हर काम मुझे तुमसे पूछ के करना होगा? नहीं, कम से कम मशवरा तो कर लेते। कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे मशवरे से। गुलिस्तान खान के बेटे ने पैगाम भिजवाया कि वो मुझे उसी तरह मारेगा जैसे मैंने गौहर को मारा था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे पढ़ाए हुए सबक ने मुझे बेगैरत बनाकर रख दिया है। मैंने तुम्हें बेगैरती नहीं, मसलहत का सबक पढ़ाया था। कुत्ते जैसी जिंदगी हो गई है इस मसलहत में। उसी दिन चीरी को मार दिया होता तो। बहन को कत्ल करने के बाद तुम गांव वालों के सामने बहुत बड़े गैरतमंद मशहूर हो जाते हैं ना। गैरत
बद दिमाग लोगों का हथियार है। जिन लोगों का दिमाग काम नहीं करता ना, वो अपने पागलपन पर गैरत का पर्दा डालते हैं। ज्यादा उस्तानी मत बनो। ये बताओ अब क्या करना है? तुम्हें कुछ नहीं करना। तो क्या घर में बैठ जाओ? घर में बैठोगे तो मेरा सर खाओगे और गांव वाले तुम्हें बुजदिल समझेंगे। खेतों में जाओगे तो गुलिस्तान तुम्हें मरवा देगा। तुम्हें शहर जाना चाहिए आज और इसी वक्त। तो तुम क्या करोगी? मैं वो करूंगी जो तुम्हारे लिए, मेरे लिए और मेरी औलाद के लिए बेहतर होगा। लेकिन तुम शहर से हिलना भी मत जब तक मैं तुम्हें वापस ना बुलाऊं। तुम मुझे मुकम्मल बेगैरत बना दोगी। मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रही हूं। लेकिन अगर तुम्हें इतनी गैरत करनी है तो जाओ, दरवाजा खुला है, जाओ बाहर, अपने आप को कत्ल करवा दो और अपनी औलाद को देखे बगैर इस दुनिया से चले जाओ। फिर ये यतीम जाने, ये बेवा जाने और ये गांव वाले जाने। गैरत वालों का तो अजीब ही होता है, खुद तो चले जाते इस दुनिया से और छोड़ जाते अपनी बेवा और अपनी औलाद को गांव वालों के सहारे। वाह वाहरी गैरत। बैग पैक कर दूं तुम्हारा? क्यों दाजी के सामने खड़ा होना चाहते हो? अगर उनको पता चल गया ना तो जितनी थोड़ी बहुत बात करते वो भी खत्म कर देंगे तुमसे। एक आदमी ने हमारे भाई का कत्ल किया है और तुम कह रहे हो कि तुम उससे मिलोगे, हाथ जोड़कर पूछोगे कि हमारे भाई का कसूर क्या? खत्म करो इस बात को, शहर जाओ। ये तुम्हारे करने का काम नहीं। ये कहां का इंसाफ है ना? कातिल से ये पूछे बगैर कि उसने कत्ल क्यों किया, उसे मार दो। सब जानते हैं उसने क्यों कत्ल किए। हमारा भाई बेकसूर कत्ल हुए और बेकसूर के कत्ल का बदला लेना यहां का इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं, बदमाशी है, ताकत का नशा है। ये नशा पहले सैफुर्रहमान को चढ़ा, ये बदमाशी पहले सैफुर्रहमान ने की। अब इस बदमाशी का बदला हम बदमाशी से लेकर इस बात को खत्म करें। और वो चीजें, वो चूड़ियां और वो चादर जो उसने गौहर की लाश के साथ भिजवाई थी, वो क्या है? वो भी उसकी बदमाशी है कि हमारे भाई को बदनाम करके सजा से बच सके और हम अपने भाई को बदकार समझ के उससे बदला ना लें। ये तुमसे किसने कहा? अंदाजा लगा रहे हो तुम सिर्फ लाला? तुम हमारे भाई हो या सैफुर्रहमान के भाई हो? लाला तुम एक शरीफ इंसान हो, मैं सैफुर्रहमान के खून में तुम्हें अपने हाथ नहीं रखने दूंगा। शरीफ हूं, बेगैरत नहीं हूं। तहकीक किए बगैर किसी को कत्ल कर देना कहां की गैरत है? तहकीक? किस बात की तहकीक? मैं कौन सा हलाल हराम पर कोई शरई किताब लिख रहा हूं कि तहकीक करता फिर? तुम बस जाओ अपनी जाने की तैयारी करो। ये मेरा तुम्हारा ये दाजी का काम नहीं है, कानून का काम। अगर कानून का मामला है तो फिर तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो? ताकि मैं ये जान सकूं कि उसने ये सब कुछ क्यों किया है। ये सवाल तो तुम्हारा कानून भी पूछ सकता है। तो तुम्हें उसे मिलने की इतनी आग क्यों लगी? मुझे आग नहीं लगी, मैं बस आने वाली आग से सबको बचाना चाहता हूं। सब बच जाएंगे, तुम हमारी फिक्र मत करो। उसके आगे पीछे कोई मर्द नहीं है कि इस आग को आगे बढ़ाकर, तुम बस जाने की तैयारी करो, जाओ। लाला मुझे एक बार उससे मिलने की इजाजत दे दो, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूं और कुछ नहीं। अगर तुम उससे मिले तो मैं दाजी को जाकर बता दूं और फिर तुम जानो और दाजी जाने। सच तो यह है कि उसने बानों से शादी ना होने का बदला लिया है।
ये तुम्हारी बहन और मेरी बीवी का मामला है, लोग बिला वजह एक की दस बातें बनाएंगे, इसलिए तुम सच जानने की कोशिश न करो, बदनामी होगी। तुम सिर्फ अंदाजे लगा रहे हो लाला, सच तो कुछ और ही है। भाभी पानी मैं भर लाती हूँ, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। भाई को बेघर और एक आदमी को मरवा के अभी भी तुम्हें सुकून नहीं आया? पैरों में अभी भी खारिश हो रही है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि तुम्हारे लिए वजनी काम करना सही नहीं है। जब इस घर में मेरी हैसियत नौकरानी जैसी होगी तो मुझे ही करने दो। जो करके आई हो ना बीबी, पहले उसका अजाब भुगत लें। हटो। मेरी बात मान लो, यूं ही रोज़ जलील होने से अच्छा है कि हम एक ही बार जाके उस मसले को ख़त्म कर दें। और वहाँ में जलील हो गए तो फिर की बाद में सोचेंगे, पहले जाके बात तो करें। कैसे जाएंगे? जैसे सब जाते हैं। तुम गड़ी बहरान का रास्ता जानती हो? बरू काका तो जानते हैं ना, मैं उनको राज़ी कर लूँगी किसी तरह। और भाभी को क्या बताऊँगी कि कहाँ जा रही हूँ? उसे कहना ज़रूरी है क्या? हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक बार फिर सोच लो। मैं सोच चुकी हूँ, इसके अलावा कोई हल नहीं है। बरू काका सैफुर रहमान लाला की जान बचाने में हमारी मदद ज़रूर करेंगे। मैं सोच के बताऊँगी। सोचने सोचने में वक्त ही ना निकल जाए। मैं इस्तखारा करूँगी, अगर ठीक आया तो जाएंगे, वरना नहीं। इस्तखारा शादी के लिए किया जाता है बेवकूफ़, हम शादी थोड़ी करने जा रहे हैं। हम शादी नहीं बर्बादी करने जा रहे हैं। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। इतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुम समझ रही हो। औरन से मिलके सब मसले का हल निकल सकता है, मेरा दिल कह रहा है। तुम्हारा दिल तो गौहर के बारे में भी यही कहता था ना, उसे तो मरवा दिया, अब क्या ऐसे भी मरवाओगी? लाला। हुँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे दिल पे बहुत बोझ है। अगर ये बोझ बानों की वजह से है तो कुछ दिन बर्दाश्त कर लो, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारे बोझ खत्म हो जाएंगे और फिर रक्षी बेगम की दोनों औलादें हमेशा सुकून से रहेंगी। हुँ? कोई और बात है तो बताओ, मेरी बेटी को बेसुकून करने वाले के साथ वो हाल करूंगा कि वो कब्र में भी सुकून नहीं पाएगा। लाला, तुमने कभी भी मुझे बहन नहीं समझा, हमेशा बेटी का है। मैं तुम्हारी बेटी हूं ना। तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमको हमेशा मैंने अपनी औलाद समझा है, बेटी हो तुम मेरी, तौरा खान की इकलौती औलाद, वाहिद बेटी जिस पर तौरा खान जितना फखर करेगा। मैं क्या हुआ है? हाँ, रो क्यों रही हो? कहीं बानो ने तो कोई बदमाशी नहीं की? नहीं। फिर मैंने उस रात तुम्हारी बातें सुन ली थी। कौन सी बातें? वही जो तुम मां से कर रहे थे कि उसकी टांग का बदला गुलिस्तान खान का बाजू। लाला, गौर को तुमने मारा है? नहीं, मैं क्यों मारूंगा? तो फिर तुम नाच क्यों रहे थे?
वहां दाजी के घर सब रो रहे थे, मातम कर रहे थे और तुम यहाँ नाचे जा रहे थे। हर आदमी का अपना अंदाज होता है अपने गम से लड़ने का। कोई रो के लड़ता है, कोई चुप रह के लड़ता है, और कोई मेरी तरह नाच के लड़ता है। नाचने की शौकीन मां का बेटा हूं, उसका भी गम जब हद से ज्यादा बढ़ जाता था तो वो नाचने लगती थी। नाचते नाचते पैर तो वहां बैठी और मर गई। तो मां के मरने पे भी ऐसी नाचे थे। भाई जो हर जनाजे पर रोने पहुंच जाती है, उस दिन सिर्फ दो लोग आंसुओं से रो रहे थे, एक मैं और एक तुम। जिस घर में बहनें रोती हैं वहां खुदा का अजाब नाजिल होता है। तुम तो मेरी बेटी हो, मैंने तब भी तुम्हारे आंसू पोंछे थे और हमेशा पोंछूंगा। लेकिन मेरा दिल साफ नहीं है लाला, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब से गौर मरा है तुम बहुत खुश हो।